इधर पूरा का पूरा हमने टॉपिक को कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टेप में। इधर आप ध्यान से सुन लो, पूरे के पूरे टॉपिक को हमने स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा चैप्टर पहला था तुम्हारा कौन सा, प्रोटेस्टा, कौन सा प्रोटेस्टा, और दूसरा तुम्हारा कौन सी पंगी। जो पंगी होता है तुम जानते हो कि पंगी नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, उन स्थानों में जहाँ पर मॉइस्चर होगा, जहाँ नमी होती है, जहाँ भी वो नमी देखता है वहीं पर हमारे पंगी आ जाती है। है हाँ, मॉइस्चर जहाँ भी होगा, खाने में भी अगर मॉइस्चर है, खाने में भी अगर मॉइस्चर है, हाँ खाने में भी अगर मॉइस्चर है तो उसमें भी पंगी तुम्हारा लग जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कि उसमें ब्रेड में देखा होगा फंगस लग जाता है, रोटी में देखा होगा फंगस लग जाता है ना। तो जब फंगस लग जाता है तो फंगस लगने के बाद क्या होता है, वो हरा हरा होता है। इसके बाद हरा हरा होने के बाद वो पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और जब वो ब्लैक कलर का होता है तब उसको हम बोलते हैं ब्लैक मोल्ड। मुंडा भी बोलते हैं। हाँ, अभी बीच में तुमने नाम सुना होगा, ये फैलने लगा था ब्लैक मोल्ड आईज में, रोग फैलने लगा था है ना। तो वही चीज है, फिर इसके बाद रोटी में भी ये हो जाता है। इधर सुन लो, रोटी में भी ये हो जाता है, मतलब जहाँ भी मॉइस्चर, अब जैसे उसमें ब्रेड में हुआ, ब्रेड में तुम्हारा अगर फंगस लग गया तो क्या है, ईस्ट है। क्या है, ईस्ट। इसमें तुम दो चीज पढ़ोगे, ध्यान रखना, दो चीज क्या पढ़ोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी। क्या बोलते हैं, आईपी, एच वाई पी एच आईपी। ठीक है, जो तंतु होता है उसको आईपी बोलते हैं। जैसे फिलामेंट आपने देखा, फिलामेंट हमारा एक होता है, ठीक है, और जो हमारा जाल होता है, जाल क्या होता है, जब ढेर सारे फिलामेंट आपस में मिलते हैं तो वो एक जाल का निर्माण कर लेते हैं, करते हैं। तो जब जाल का निर्माण हुआ, ध्यान से सुन लेना, जब जाल का निर्माण हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। यहाँ पर कहीं पर नहीं है, ठीक है, क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो ध्यान रखना, यहाँ पर तुम्हें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है तंतु और दूसरा पढ़ना है कवक जाल, माइसीलियम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा किंगडम पंगी लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि पंगी, सबसे पहले पंगी की, पंगी को डिस्क्राइब किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पंगी को कब 1729 में, कब 1729 में किसने किया था, एंटोनियो माइकेली। किसने किया था, एंटोनियो माइकेली ने किया था। इन्होंने कम से कम 900 जातियों की इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, जिसके कारण इन्हें क्या बोला जाता है, कवक जगत के पिता कहा जाता है। इसके बाद केवल ये बस नहीं, इसके बाद हमारे इंडिया में भी एक थे, हमारे इंडिया में भी एक थे जिनको हम फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, प्लस इन्होंने रोगों के बारे में भी बताया था, इन्होंने इनसे होने वाले रोगों के बारे में बताया था, जिसको हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट्स माइकोलॉजी, सॉरी पैथोलॉजी, ठीक है। वो कौन थे, ईजे बटलर। कौन थे, ईजे बटलर। तो ध्यान रखना, ये नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है,
ठीक है, कि भारत के ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कवक के बारे में बताया था, तो ध्यान रखिएगा कौन है, ईजे बटलर। और अगर कवक से होने वाले पौधों को रोगों के बारे में किसने बताया था, तो ईजे बटलर ने ही बताया था। किसने, ईजे बटलर ने। सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था, सबसे पहले हाँ सबसे पहले कवक के बारे में इन्होंने बताया। ये भारत के हैं, ये हमारे भारत के, इसलिए हमारे भारत के नाम से इनको जाना जाएगा। इसमें लिखा है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉस, मतलब भारतीय कवक विज्ञान के पिता। हाँ भारत के वैज्ञानिक ने भी कवक के बारे में बताया था, ठीक है, पहले बताया था एंटोनियो माइकेली ने, इसके बाद बताया था भारत के वैज्ञानिक बटलर ने, इसलिए भारत के वैज्ञानिक को भारत में कहा जाता है क्या, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉस। इसके बाद आगे बात, इसके बाद तुम्हारा कवक कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, ध्यान रखना कवक एक कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, जो किससे मिलकर बना है, जिसका जो किससे मिलकर बना है, फंगस, किससे, फंगस, जो फंगस से मिलकर बना है। ध्यान रखना कि जो तुम्हारा कवक है वह एक लैटिन शब्द है, कौन सा लैटिन शब्द है, जिसको लैटिन में हम क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। फंगस का मतलब होता है मशरूम, क्या होता है, मशरूम। फंगस का मतलब क्या होता है, मशरूम, फफूंद अलग, मतलब एक प्रकार से वो फफूंदी है। हाँ ठीक है, फंगी जैसे हमारे हाथ में भी हो जाते हैं, पैर में भी हो जाते हैं, ठंडियों फंगस, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गले में हो जाता है। हाँ क्या, नहीं वो नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, इतना समझ में आ गया, ये बताओ इधर कवक जनक के पिता किसको कहते हैं, कभी इन्होंने कुछ बारे में बताया था, 1729। अच्छा इंडियन माइकोलॉजी किनको कहते हैं, और पैथोलॉजी किनको कहते हैं, बटलर को, ठीक है। इसके बाद कवक पाया कहाँ जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है और नमी वाले स्थानों में, ठीक है, जल में भी और नमी वाले स्थानों में भी। अच्छा इसके बाद जो कवक है वो कैसा शब्द है, लैटिन शब्द, कैसा शब्द, लैटिन शब्द। अच्छा लैटिन में कवक को क्या कहते हैं, और फंगस का शाब्दिक अर्थ क्या है, मशरूम। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, नहीं लगी, नहीं क्योंकि उसमें अक्रिय गैस बनी हुई है, वो किससे क्रिया नहीं करेगी, यही कारण है कि उसमें भी इस का प्रभाव पड़ता है। अभी समझ नहीं आ रहा, खुले में रखे तो उसमें लग जाएगा, क्रिया कर लेगा, क्रिया नहीं करेगा, फंगस आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं, वो माध्यम से, किसी भी माध्यम से, एयर के माध्यम से कैसे किया जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें कह रहा है कवक, लैटिन शब्द हो गया। इसके बाद जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, मतलब साइंस की वह, सॉरी विज्ञान की वह शाखा, ध्यान रखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कवक का, ध्यान रखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और ये जो हमारे कवक होते हैं इनमें जो पोषण होता है वो परपोषी भी होता है और कैसा होता है, सॉरी इनमें जो पोषण होता है वो टोटल कैसा होता है, परपोषी होता है, कैसा होता है, परपोषी होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ध्यान रखना पोषण कैसा हुआ, टोटल परपोषी, कैसा, टोटल परपोषी।
दूसरा ये कहाँ पाए जाते हैं? नमी वाले स्थानों में। कहाँ पाए जाते हैं? नमी वाले स्थानों में। ठीक है, नमी वाले स्थानों में। जैसे तुम लोग देख लो कि आपने ब्रेड को रखा, ब्रेड को रख दिया, ब्रेड या खुले में रखी है, रोटी खुले में रखी है, तो आपकी उसमें हरी हरी वो लग जाती है, गुंडा जिसे आप बोलते हो, आप गुंडा बोलते हो, अचार में लग जाता है। अगर आप गौर से उसको देखो, व्हाइट कलर का होता है वो डेवलप हो रहा है, फिर ग्रीन कलर का होगा वो और डेवलप हुआ, इसके बाद वो ब्लैक कलर में बदल जाएगा, तब उसको बोलते हैं ब्लैक। ठीक है, वो जब ब्लैक हो गया, आप देखते हो गया अचार, अचार में स्पष्ट रूप से देखा होगा। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ अचार का। अचार में स्पष्ट रूप से तुम लोगों ने देखा होगा, क्या देखा है कि अचार को आप जब रखते हो तो अचार में पहले सफेद गुंडा लगता है, फिर हरा होता है, और फिर अगर ज्यादा दिन तक उसको नहीं केयर किया गया तो वो ब्लैक में बदल जाता है, और जैसे ही ब्लैक में बदलता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी मम्मी क्या करती है, ऊपर के अचार को निकालकर बाहर कर देती है, फिर उसमें उसको और रख देती है, और जैसे ही रखती है तो आपको क्या लगता है कि उसमें से जो गुंडा है वो हट गया, ईस्ट जो है वो हट गया? नहीं, उसमें भी अभी कुछ पार्टिकल्स हैं, जो क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? वेजिटेटिव, काइक जनन करता है, काइक जनन करता है, बडिंग का फॉर्मेशन करता है, काइक जनन। ठीक है, अगर उसमें एक भी सेल है, ध्यान रखिएगा, एक भी सेल है जिसको हम मदर सेल कहेंगे, यह मदर सेल क्या करेगी, सबसे पहले अपना इसमें क्या करेगी, बट फॉर्मेशन करेगी, सबसे पहले बट फॉर्मेशन, इसको हम बडिंग कहेंगे, बट फॉर्मेशन करेंगी। जैसे ही बट का निर्माण होगा वैसे ही इसका केंद्रक भी विभाजित होना चालू हो जाएगा, और केंद्रक विभाजित होकर एक इसमें रहेगा, दूसरा इसमें पहुंच जाएगा, फिर ये पूरी तरह से डेवलप होगा, फिर बडिंग होगी, फिर बडिंग होगी, फिर बडिंग होगी, फिर बडिंग होगी, और इस तरह से ये चैन की फॉर्मेशन कर लेती है। क्या कर लेती है? चैन की फॉर्मेशन। हाँ, फिर से उसमें गुंडा लगा, बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स हैं, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक गुंडा उससे खत्म नहीं होगा। सीरियस बात, कैसे भी आप करो लेकिन उसमें अगर पार्टिकल्स हैं तो खराब करेगा। सर ये बताइए, जो बड़ी करता है, जो बड़ी करके पर ये अलग हो जाएगा, बढ़ेगा रहेगा वही, लेकिन अलग होगा, फिर ये आपस में मिलकर इसी तरह से ढेर सारी चैन का फॉर्मेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इतना समझ में आ गया। इसके बाद तुम्हारा कह रहा है ये नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थों में, सड़े गले जितने भी पदार्थ होते हैं वो उनसे अपने पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ध्यान रखना कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कवक हमेशा कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। ध्यान रखना, कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, लेकिन केवल एक ही कवक है। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से सुनना। केवल ईस्ट, जो ईस्ट होता है, यही केवल एक ऐसा कवक है जो केवल एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे बहुकोशिकीय होते हैं। बात समझ में आ गई कि जो ईस्ट होता है वह केवल एक कोशिकीय है, बाकी सब बहुकोशिकीय होते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? हटा दे, देखो सर, जो प्रोटिस्टा है वो भी तो एक कोशिकीय के अंदर आते हैं। ये केवल तुम्हारा इंट्रो का स्टेप बना जाना है, इंट्रो का, केवल ये इंट्रोडक्शन है। सर आप पढ़ाइए, फोटो खींच के भेज दीजिएगा बेटा, समझ लीजिए, समझा दीजिए, अभी पूरा नहीं, विषय में ना खत्म होगा, चल फोटो खींच के भेज दीजिए, लिख लोगे? आराम से याद हो जाएंगे। अगर इसको मैं पूरा बना दूं, जैसे कवक जगत के पिता एंटोनियो माइकेली 1729 में इन्हें फादर की उपाधि दी गई थी, और इसी के साथ साथ फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी ईजे बटलर को कहा जाता है। कवक एक लैटिन भाषा है। कवक क्या है? एक लैटिन शब्द है जो फंगस से मिलकर बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ है क्या? मशरूम।
जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। इनमें जो पोषण होता है वह परपोषी प्रकार का होता है और ये जो कवक होते हैं वो नम स्थानीय शरीरिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो ईस्ट होता है वह केवल एक कोशिकीय होता है। इनमें से बाकी टॉपिक हटा दिया था, इनको स्किप करना। आगे बात समझ में चल, आगे देखो सर, ये पिता ने छोटी माई के लिए 1729 में इन्होंने क्या किया था, कवक जगत के बारे में बताया। कवक इसने लिख दिया है कि ये इस सन है इसका, आगे बात सुनने। इसके बाद आप देखो कवक, कवक आ जाओ, ये अच्छा बाहर भाभी होंगी, भाभी से चाबी भी आपको देखिए। देखो कवक, कवक की अगर हम बात करें तो कवक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। जलीय कवक और स्थलीय कवक। ध्यान रखिएगा कवक कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन सा? अगर बात करते हैं हम जलीय कवक की, ऐसे कवक जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। नहीं, हम अभी केवल हेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे कवक होते हैं वो कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला जलीय कवक और दूसरा स्थलीय कवक। क्लियर? जलीय कवक कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। लेकिन कैसे जल में पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ जल में भी होते हैं और समुद्री जल में भी होते हैं। दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, मतलब स्वच्छ जल में भी होंगे और समुद्री जल में भी होंगे। इनमें भोजन कैसा होता है? मृतोपजीवी प्रकार का होता है, अर्थात ये मृत सड़े गले पदार्थों से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जो कवक तुम्हारे जल में पाए जाएंगे वे केवल सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, और ऐसे कवक जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे आपका मशरूम, ठीक है, जैसे आपका यीस्ट। नहीं होता वो भी मशरूम है, होता वो भी मशरूम है, ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अरे कुछ नहीं बताया, ये बताया कि जो जलीय कवक होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। कैसे जल में? स्वच्छ जल में और समुद्री जल में। इसके बाद इनमें जो भोजन होता है वो मृतोपजीवी प्रकार का होता है। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वह परजीवी दोनों प्रकार के, मतलब इनमें जो भोजन होता है वो मृतोपजीवी भी होता है और परजीवी भी होता है। परजीवी का मतलब, परजीवी का मतलब जो दूसरों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे जीवों से अपने भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया जलीय कवक, खत्म, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ स्थलीय कवक। स्थलीय कवक, अगर हम स्थलीय कवक की बात करें, किसकी? स्थलीय कवक। तो स्थलीय कवक को बांटा गया है कितने भागों में? चार भागों में। कितने भागों में? चार। कितने में? चार। कौन कौन सा? मृदा, परजीवी। अरे मेरी बात सुनो, मृदा ऐसे कवक जो कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा परजीवी कवक, ऐसे कवक जो परजीवी होते हैं जो दूसरों से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। तीसरा नंबर कवकीय परजीवी, कुछ ऐसे कवक भी होते हैं जो दूसरे कवक पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कवक जो दूसरे कवक पर अपने परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और ऐसे कवक को हम क्या कहते हैं? कवकीय परजीवी। कवकीय का मतलब होता है कवक के ऊपर कवक, जो परजीवी के रूप में हो उसको हम कवकीय परजीवी कहते हैं। और तीसरा है तुम्हारा सहजीवी कवक, ऐसे कवक जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, अर्थात ना तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे ना ही तुम हमको नुकसान पहुंचाओ, बल्कि साथ साथ जीवन यापन करते हैं। और ऐसे ही कवक तुम्हारे क्या कहलाते हैं? सहजीवी कवक कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको स्थलीय कवक को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। कितने भागों में? चार। कौन कौन सा? नदीय कवक, तो आ जाओ स्वाइल फंगी में देख लेते हैं। सबसे पहले
कवक मृदा में पाए जाने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, सॉइल इनहैबिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिटेंट्स। सॉइल इनहैबिटेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल इनहैबिटेंट्स अर्थात मृदीय कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदीय कवक। ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि ये कार्बनिक पदार्थों में मींस जो तुम्हारे मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को अपघटित करके अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। और अगर ये कवक मृदा में है तो ये क्या करेंगे, ये पौधों को भी पोषण देंगे। भाई अपना पोषण लेंगे तो पौधों को भी देंगे। इसके बाद ये क्या करते हैं, अपने कार्बनिक पदार्थों को मृदा के कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके ये पोषक पदार्थों को क्या करते हैं, लेते हैं या प्राप्त करते हैं। जिसके कारण ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो मृदयीय कवक होते हैं वो कितने प्रकार के निकाल दिए हमने, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला है शर्करा अपघटनकारी अर्थात जो शर्करा को क्या कर देते हैं, ऐसे कवक जो शर्करा को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। दूसरा सेलुलोज अपघटनकारी अर्थात जो सेलुलोज को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। तीसरा है तुम्हारे कुछ ऐसे कवक होते हैं जो तुम्हारे मल और गोबर को अपघटित करके, किसको, मल को और गोबर को अपघटित करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके जैसे तुम्हारा कौन सा, पाइलोसोलस। ठीक है, जो पाइलोसोलस हमारा कवक होता है वो गोबर और मल को क्या करता है, अपघटित करके अपने पोषण को प्राप्त करता है। इसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, परजीवी कवक। परजीवी कवक को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक फंगी बोलते हैं। ऐसे फंगी जो दूसरे जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक फंगी कहते हैं। अनेक प्रकार के कवक जातियां पौधे प्राणी एवं मनुष्य पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और अगर ये परजीवी के रूप में हैं हमारे ऊपर तो हमको क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। करते हैं कि नहीं भाई, जैसे आपने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया। ठीक है, सुबह सुबह बढ़िया उठे, कुल्ला मंजन किया, नहाए धोए, आप बढ़िया नाश्ता करने बैठे। नाश्ता में क्या खाना है, चाय ब्रेड खाएंगे आज। क्या खाएंगे, चाय ब्रेड। अब भैया चाय तो लेकर बैठ गए, गरम गरम ब्रेड भी उठा लिए। अब ब्रेड में हमने देखा नहीं क्या लगा है, अब उसको हमने अंदर डकार लिया। ठीक है, अब डकारा वो हमारे अंदर गया, अब जैसे ही गया तो हमको फूड पॉइजनिंग में बदल दिया, हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो गई। अब लो शुरू हो गई हुआ कि नहीं, पता चला दाल हमारी सड़ गई है। ठीक है, खाना खाना है, भूख जम के लगी है, कोचिंग स्कूल से पढ़कर आए हैं, सूंघने का टाइम नहीं था कि सूंघने की सड़ गई है कि नहीं, लेकिन चावल मिलाया अब भक्के से खा लिया है कि नहीं। और जब खा लिया हमने चावल को खा लिया तो पता चला कि फिर शाम को हॉस्पिटल में पड़े नजर। बेटा कहाँ हो, आज आए नहीं सर, हॉस्पिटल में बोतल चल रही है। क्या हो गया बेटा? अरे सर वो फूड पर क्यों हो गया, वो हमारे अंदर कुछ घुस गया ना। क्या घुस गया, परजीवी घुस गया, कवक परजीवी घुस गया, जिसके कारण उसने हमको क्या कर दिया, बीमार कर दिया। तो कुछ होते हैं जो मनुष्यों के शरीर में क्या करते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और उनको क्या करते हैं, रोगों से ग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, कवक परजीवी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा कवकीय परजीवी। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कवक के ऊपर ही परजीवी होते हैं, मीन्स पोषण के लिए दूसरे कवक को अपने आश्रय में आप उनके ऊपर आ जाते हैं। अर्थात कहता है कि कुछ ऐसे कवक होते हैं जो अन्य कवक पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में, परजीवी के रूप में। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो अन्य कवक पर किसके रूप में पाए जाते हैं, कवक के ऊपर कवक। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे कवक होते हैं जो दूसरे कवक पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे कवक को कवक परजीवी कवक कहते हैं। जैसे एंडरलुका कैरेसिन, कौन सा, एंडरलुका कैरेसिन, ये ऐसा कवक है जो दूसरे कवक पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा, सहजीवी कवक। सबसे अच्छा है, सबसे सीधा है, सुकुमार है बेचारा, इसको किसी से मतलब नहीं है।
केवल अपनी आंख से मतलब है कि अगर तुमने हमारा साथ दिया तब तो हम तुम्हारा साथ देंगे, न तो जयराम जी की, राम जी चले गंगा नहाने। ठीक है, तो यही वो कवक है। अब कैसे, तो सहजीवी कवक क्या है, तो कुछ ऐसे कवक होते हैं जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, अर्थात कुछ ऐसे कवक होते हैं जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता, किसी भी प्रकार की उनसे बुराई नहीं होती, अर्थात वो क्या करते हैं, वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। कैसे, तो जड़ों में पाए जाते हैं, तो ये जड़ों में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों को अवशोषित करके पौधों को देते हैं, जिससे पौधा ये अपने भोजन का निर्माण करता है और अपना डेवलपमेंट करता है। तो भाई कवक को क्या फायदा हुआ, तो कवक को क्या किया जाता है, पौधों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को कवक को कवक तक पहुंचाया जाता है, जिससे कवक को भोजन मिल गया। इस तरह से दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, सह संबंध स्थापित करते हैं, क्या करते हैं, सह संबंध स्थापित करते हैं, साथ साथ जीवन यापन करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं या सह जीवन कहते हैं। तो कुछ कवक सवाल के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा, कुछ कवक सवाल के साथ मिलकर, ठीक है, कौन सा कवक, तो ध्यान रखिएगा एस्कोमाइसिटीज, कौन सा, एस्कोमाइसिटीज, कुछ कवक सवाल के साथ मिलकर क्या करते हैं, सह संबंध बनाते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो होता है, कवक और सवाल दोनों पाए जाते हैं, लाइकेन में क्या होता है, कवक और सहवाल दोनों पाए जाते हैं, जो आपस में मिलकर सह संबंध स्थापित करते हैं, क्या करते हैं, सह संबंध स्थापित करते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं। अगला, ये मुख्य रूप से चट्टानों और पेड़ों के तनों पर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों और पेड़ों के तनों पर। इसके बाद कुछ कवक पौधों की जड़ों में अपना सह जीवन यापन करते हैं, कहाँ पर, पौधों की जड़ों में सहजीवन यापन करते हैं, जिसे कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं, क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन और माइकोराइजा दो चीज बहुत गौर से याद रखिएगा। अगर कहा लाइकेन, तो लाइकेन में क्या है, कवक और सहवाल सहजीवन, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, क्योंकि यही है जो दो डिफरेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहा कि भैया लाइकेन माइकोराइजा क्या है, लाइकेन और माइकोराइजा क्या है, तो लाइकेन अलग है, माइकोराइजा अलग है। लाइकेन तुम्हारा कवक और सहवाल के बीच सह संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन माइकोराइजा जो जड़ों में पाया जा रहा है, लिखा है, जिसे कवक मूल, कवक मूल कहते हैं, मूल मीन्स क्या होता है, जड़, और कवक मीन्स फंगी, मतलब ऐसा फंगी जो कहां पाया जा रहा है, जड़ों में ऐसे फंगी को हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा, अर्थात जो माइकोराइजा कहां पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, पौधों के बीच सह संबंध स्थापित करता है, ऐसे कवक को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और जो कवक सहवालों के साथ सह संबंध स्थापित करता है उसको क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा अंतर, बात समझ गए, ठीक है। देखो ये मुख्य रूप से क्या कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों पर, मतलब फैले हुए पाए जाते हैं, घरों में देख लो आप, किला की रहती है ना, चट्टानों में तुम्हारी काई लगी बिछी रहती है, लगी रहती है, ठीक है, चट्टानों में पाई जाती है, पेड़ों में पाई जाती है, पेड़ों में हरा हरा चढ़ा रहता है, तभी तो ये सहसंबंध स्थापित कर रहा है, तभी तो ये सहसंबंध स्थापित कर रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा है, सवाल भी तो लगा है, लगा है कि नहीं, तभी तो ये सहसंबंध स्थापित करेगा उससे, हैं? आगे बात समझ, अन्य तो इनके बीच संबंध कैसे स्थापित होगा, आगे बात समझे, इसको देखो, मैं अगली हूँ, Thank you.
हो गया, रेस कर दे। लेकिन जो इसने है वो इसने चलो नहीं क्लास हटाए दे रहे हैं। ठीक है, मैसेज आ रहा है। हाँ